तो आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल मैंने बनाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब पीरियड जो है संख्या वो कितनी है, 7, ये पता लग गया हमें, ठीक। इसके बाद अगली चीज, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, तो ये जो वर्टिकल हैं दीज आर दी ग्रुप्स, ग्रुप्स में काउंट करूँ यहाँ से, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको अपन ने बोला है मोजले पीरियोडिक टेबल, तो मोजले क्या करता है, इसकी नेमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मोजले के पहले वाली जो पीरियोडिक टेबल थी वो थी कौन सी, मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीफ ने क्या किया था कि उसने वहाँ पे 8 ग्रुप्स ही डिफाइन किए थे, ध्यान रहे मेंडेलीफ 8 ग्रुप्स और मोजले 18 ग्रुप, 18 में बता चुका हूँ। अब मेंडेलीफ ने जो पुराना था कन्वेंशन उसमें उसने स्टडी कैसे किया था, फर्स्ट डे सेकेंड डे, उसके बाद आगे चले जाए बोरोन वाले ग्रुप में 13, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A एंड लास्ट इनर्ट गैस को 0, ठीक है। और इधर फिर वापस आए हम 3rd B, तीसरे ग्रुप को 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B और कंबाइंड ये नेक्स्ट तीनों ग्रुप को 8th B, फिर 1st B और 2nd B। तो ये जो हमारा नोटेशन है ये मेंडेलीफ के हिसाब से नोटेशन है, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि कितने कितने एलिमेंट कौन कौन से पीरियड में होते हैं। तो इधर मैं पहले पीरियड में देखूं अगर, तो 2 एलिमेंट है, फिर 8, फिर 8, फिर 18, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो है यहाँ 18, फिर 32, ठीक है। और उसके बाद जो है अगला वाला इनकम्प्लीट, ठीक है, 2, 8। तो ये तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट हो गया, ठीक, ये हो गया शॉर्ट सेकेंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड शॉर्ट, ठीक है, फिर ये लॉन्ग, ठीक है, उसके बाद ये लॉन्ग और इसके बाद ये वेरी लॉन्ग। तो पीरियड में एलिमेंट की संख्या हमने स्टडी कर ली, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम पीरियडिक टेबल को इधर से देखना चालू करते हैं। जो पहला वाला ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन है पीरियोडिक टेबल में, इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, ये कमी है पीरियोडिक टेबल की। मेंडेलीफ और मोजले में दोनों में कमी है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट सर्टेन, इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं और इसको हम हैलोजन के साथ भी रख सकते हैं 17 ग्रुप में। क्यों, क्योंकि इसलिए हाइड्रोजन जो है इनकी तरह प्लस वन दिखा सकता है, ठीक है, और हैलोजन की तरह माइनस वन स्टेट शो कर सकता है। हाइड्रोजन की खासियत क्या है, H प्लस भी संभव है, H माइनस भी संभव है, और हाइड्रोजन खुद में नॉन मेटल है। तो मेटल से डिफरेंस, ये सारे मेटल हैं और ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल। तो हम इसको, ये कन्फ्यूजन है कि इसको यहाँ रखें या वहाँ रखें, यहाँ इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि इसका कन्फ्यूगेशन 1s1 है, इसका 2s1 है, 3s1, उसके बाद 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, तो जो आगे का नंबर है ये इसका पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। तो पहले में अगर मैं स्टडी करूं, तो पहले में हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और बाकी जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है ये हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इसमें फ्रेंशियम जो होता है दैट इज रेडियो एक्टिव। अब अल्कली मेटल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि इनके जो ऑक्साइड है, जैसे मान लो मैं लिथियम ऑक्साइड के बारे में बात करूं, तो जब ये पानी से रिएक्शन करता है वाटर से तो इट फॉर्म्स LiOH जो कि बेस है और बेस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्कली। तो इस वजह से, बिकॉज दे फॉर्म अल्कली,
विद रिएक्शन विद वाटर दे आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो लिथियम के आगे ये सारे एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स, और हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल है। ठीक है, इस ग्रुप का अगर मैं जनरल कॉन्फिगेशन देखूँ, इस ग्रुप का मैं जनरल कॉन्फिगेशन देखूँ तो अपन पहले एक डिफाइन कर लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है यहाँ पे तो ये वाला कहलाएगा एस ब्लॉक, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी में तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाएगा डी ब्लॉक, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी में तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाएगा पी ब्लॉक। तो अब हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं कि ब्लॉक कैसे डिसाइड होते हैं। ब्लॉक डिसाइड होते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस में कि वेयर इट एंटर्स, उसके बेसिस में हमने पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉक में बांटा है एस पी डी एफ। अब जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एफ ब्लॉक जो है वो अलग से दो टेबल लगा के दिखाई जाती है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक जो है इस पीरियोडिक टेबल में अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, अलग से हमें शो करना पड़ता है, उसका लॉजिक हम देखेंगे अभी। ठीक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसके बेसिस पे हमने चार ब्लॉक में बांटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक हम किस किस को बोलते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को। फर्स्ट ग्रुप में बता चुका हूँ अल्कली मेटल्स का है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, सेकेंड ग्रुप जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। अल्कलाइन अर्थ मेटल हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कली बनाते हैं यानी बेस बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में एक्सेप्शन हो गया बेरिलियम, और बाकी सारे मेटल जिनके ऑक्साइड अगर अपन नेचर में देखें तो वाटर से रिएक्शन करके दे फॉर्म बेस यानी कि अल्कली। और चूंकि अर्थ में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो इसके बेसिस पर अपन ने इसका नाम रख दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक जो है अगर हम इधर देखें तो एस ब्लॉक जो है यहाँ तक सीमित है, पहले और दूसरे ग्रुप में। हाइड्रोजन को छोड़ दो आप, ठीक है, नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो ये अल्कली मेटल्स, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, बेरिलियम को जो है अपन इसमें इंक्लूड नहीं करते। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पी ब्लॉक। अब अच्छा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन या तो NH1 है या NH2 है। N मतलब, N का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो हाईएस्ट N का वैल्यू है, यही इसका पीरियड डिसाइड करने वाला है, पीरियड नंबर। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं 1s1 करूंगा तो पहला पीरियड, 2s1 करूंगा तो सेकंड पीरियड, 3s1 करूंगा तो थर्ड पीरियड। अच्छा, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या तो NH1 है या NH2 है। ये एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं अपन, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पी ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है पी ब्लॉक में तो उसके हिसाब से यहां से स्टार्टिंग होगी 13 से लेकर और 18 तक हम इसको बोलेंगे ये पी ब्लॉक है, 13 टू 18 ग्रुप। जो 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये बोरोन फैमिली कहलाता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक, 14 ग्रुप यानी कार्बन का ग्रुप, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 15 ग्रुप है हमारा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। 16 ग्रुप में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप हमारा हेलोजन का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 18वां ग्रुप हमारा नोबल गैसेस का है जो कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन पे खत्म होता है। तो ये सब ग्रुप जो हैं वो हमारे डिटेल में है, 11th क्लास में आपके एस ब्लॉक का चैप्टर है पूरा। 11th क्लास में बोरोन एंड कार्बन फैमिली है, 12th में आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली है, नोबल गैस है, ये 12th में है, वो 11th क्लास में सिलेबस में केमिस्ट्री में। ठीक, चलिए हम आते हैं अब इस पे। तो 13 टू 18 जो ग्रुप है इनमें कॉन्फ़िगरेशन एन पी भरना चालू होता है और पी की कैपेसिटी होती है 6। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में इसका बोल दूं
एन पी 1 to 6, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये एन पी 1 है, ये एन पी 2 है, ये एन पी 3 है, ये एन पी 4 है, ये एन पी 5 है और ये एन पी 6 है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम 1s2 है और बाकी सब जो ये नीचे वाले हैं वो एन पी 6 का कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फुली फिल्ड होते हैं, और फुली फिल्ड होने की वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, नोबल गैसेस के बारे में। चलिए आगे जाते हैं, हम पी ब्लॉक हम स्टडी कर चुके हैं, 13 to 18 है, एन पी 1 to 6 भरते हैं हम इसको, और इसमें मोस्टली क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर क्या होता है कि नीचे जाने पे जो है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है और मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है, तो किसी भी ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम पीरियड में इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है तो मेटेलिक करेक्टर कम होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पीरियडिक टेबल में स्टार्टिंग में मेटल है, ठीक है, और बाद में नॉन मेटल है, तो मेटल से हम किधर मूव कर रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ। ठीक, एन पी 1 to 6 में मोस्टली जो है नॉन मेटल है, इसमें कुछ मेटल भी हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड जिनके गुण जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलते हैं उनको मेटलॉइड बोलते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स इसमें होता है जो पी ब्लॉक है, 13 to 18। अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक पे। ठीक है, डी ब्लॉक जो है वो इसमें आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक में कौन से आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल बोल दें हम, इधर आ जाते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक की शुरुआत होती है थर्ड ग्रुप से लेकर और उसके बाद है 12th ग्रुप तक। तो पोजीशन इसकी क्या है डी ब्लॉक, अगर मैं देखूँ तो ग्रुप नंबर इसका कौन सा है, यहाँ पे 3 to 12 ग्रुप नंबर कौन सा है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका 3 to 12 जो है इसका ट्रांजिशन डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर ये था हमारा मेंडलिव के हिसाब से, ये था मोजले के हिसाब से, हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक में जब स्टार्टिंग करते हैं हम, तो यहाँ से हम भरना चालू करते हैं, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस में आता है, एन माइनस 1 डी में, इसीलिए डी ब्लॉक बोलते हैं। और यहाँ 1 से लेकर ये भरा जाता है कहाँ तक, डी 10 तक, क्योंकि डी जो सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की होती है, एस में 2 की होती है और पी में 6 की होती है। तो एस में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो 2 ग्रुप हो गए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 10 ग्रुप हो गए, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 6 ग्रुप हो गए। ठीक, राइट, एन माइनस 1 डी 1 से लेकर डी 10 तक मैंने इसको भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब अपन यहाँ भरते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल में हम जिंक वाले ग्रुप को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसका लॉजिक ये है कि इसमें पूरा भरा हुआ है, हाईली स्टेबल है, तो इसमें डीडी ट्रांजिशन संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन में सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये मेटल होते हैं बहुत पॉपुलर जो मेटल है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, सब इसमें है, क्रोमियम है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के बारे में हम सुना है। इसमें आपको याद करने की चीज़ क्या है कि आप इन चीज़ों को अभी से रटना चालू कर दीजिए कि यहाँ पे जो है कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। मैं रीड आउट करता हूँ, यहाँ थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, डी 1 कॉन्फ़िगरेशन है, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए, तो एक जनरल क्या चीज़ है इसमें, किधर जाने पर मेटलिक करेक्टर कम होता जाएगा, नीचे जाएंगे मेटलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये मेटलिक करेक्टर का मतलब मेटल कौन से होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसका संबंध होता है रेडियस से। किसी एटम की रेडियस जितनी बड़ी होगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। नीचे रेडियस बढ़ती है, इधर रेडियस कम होती है, नीचे रेडियस बढ़ती है तो मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा,
इधर रेडियस कम होती है तो मेटेलिक करेक्टर कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS, तो मैं डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूं, तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS 0 से 2 और N-1 डी 1 टू 10। ये इसका जो है पेनल्टी मेट शेल कहलाता है, ठीक है, और ये इसका आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल कहलाता है, ठीक है। तो ये N बाहर वाला, ये उसके अंदर वाला, ठीक है। लेकिन एनर्जी वाइज जो भरा जाता है वो भरा जाता है N-1 D वाला, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आ रहा है इसलिए हम इसको D ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। जो कन्फ्यूगेशन हम भरते हैं अबव प्रिंसिपल लगा के, हुंड्स रूल लगा के, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा के, तो यहाँ से अपन इस चीज को देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसा हमने देखा कि प्रेडिक्ट टेबल में SPD हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन F ब्लॉक जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि F ब्लॉक एलिमेंट की जगह जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग से दिखाई जाती है, जिसको हम अलग से पीरियडिक टेबल में एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। तो दो टेबल आपको अलग से दिखेगी। तो अब इसमें आप ये देखिए कि लेंथ एनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 3D1, 4D1, ये 5D1, ठीक है। अब ऐसा होना चाहिए कि 5D1 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करना चाहिए, 5D2 में एंटर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, 5D1 के जस्ट बाद एटॉमिक नंबर लेंथ एनम का है 57, ठीक है। 57 के जस्ट बाद एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या आता है कि 57 से मैं 58 पहुंचूं तो वहां एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना चाहिए था डी में, लेकिन वो डी में ना आके 4F ऑर्बिटल में आने लग जाता है। यानी अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं F ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। S ब्लॉक हम देख चुके हैं ऑलरेडी, P देख चुके हैं और D देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं F ब्लॉक, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एक्चुअली ये जो है दो सीरीज में है, 4F और 5F में। जो 4F है इसको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। 4F कौन सी है, लेंथेनाइट सीरीज, और 5F है एक्टिनाइट सीरीज। देखिए लेंथेनाइट हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइट आफ्टर लेंथेनम हम इनसे भरना चालू करते हैं। तो लेंथेनम के बाद जो है सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम 58 से लेकर 71 तक हम इसमें भरते हैं। अब पॉइंट ये है कि सीरियम से ल्यूटेशियम में 14 एलिमेंट हुए, तो 14 एलिमेंट इसलिए आते हैं क्योंकि F सब शेल की कैपेसिटी मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन की। तो मैं बता दूं, S में सब शेल में 2, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और ये कौन से फार्मूले से आया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, इसका एक फार्मूला होता है इज इक्वल टू 2 × 12+1, जो क्वांटम नंबर के बेसिस पे आता है, जो बाद में हम स्टडी करते हैं। तो 4F सीरीज 1 से लेकर 14 तक भरा जाएगा, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम 58 से लेकर 71, और इन सब का जो ग्रुप है, चूंकि हमने एक ही जगह दिखा दिया तो इनका ग्रुप है थर्ड। तीसरे ग्रुप में 4F आता है सारा का सारा, ठीक। 5F जिसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज, ये एक्टिनाइट सीरीज जो है ये भरी जाती है थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, 90 से लेकर 103 तक, अगेन 14 एलिमेंट्स होते हैं, और इन सब का ग्रुप भी कौन सा होता है, थर्ड ग्रुप। तो ये हम जान चुके हैं कि ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये यहाँ पर एस ब्लॉक, और यहीं पर दो सीरीज होती है 89 लास्ट एक्टिनियम और उसके बाद 90 से लेकर 103, यहीं से जिसको अलग नीचे दिखा दिया जाता है। तो ये है पीरियोडिक टेबल का, एक तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं SPDF में। ब्लॉक डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ब्लॉक हम कैसे डिसाइड करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, और पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हमने भर लिया तो कॉन्फ़िगरेशन भरने के बाद N की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो उसका पीरियड डिसाइड करने वाली है। तो ये पीरियड नंबर हो गया और लास्ट इलेक्ट्रॉन ने ब्लॉक डिसाइड किया, जो कि हम देख चुके हैं। अब आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ये सब एलिमेंट को ग्रुप वाइज याद कर लें,
क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अधिकतर अधिकांश ऐसा होता है कि ये बहुत कम बच्चों को याद होता है, तो ये याद कर लोगे आप तो इससे अपन को 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत मदद मिलेगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कोई कॉम्प्लेक्स पैलेडियम का दे दिया, प्लेटिनम का दे दिया, यदि आपको निकल का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप इजीली ये निकाल सकते हो प्लेटिनम क्या होगा। कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड है। कॉपर आपको पता है 3D10 4S1 होता है, तो फिर आप इसमें एक जोड़ते जाओ 4D10 5S2 हो गया, फिर इसमें 5D10 6S, यहाँ से इधर ये कॉपर, फिर ये सिल्वर, और 5D10 6S2 जो है वो किसका हो गया, गोल्ड का। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये कौन से ग्रुप में है, तब तक हम ढंग से उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे। और वहाँ पे 12 में जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स वाला, वहाँ खास तौर से बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको ये सब याद है तो फिर इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर या कुछ पूछा जाए तो हम आसानी से आंसर दे रहे हैं। तो पहला काम, अगर इनऑर्गेनिक आप सीख रहे हैं तो इनऑर्गेनिक में पहला काम होता है कि आपको पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अच्छे तरीके से आनी चाहिए और ब्लॉक वाइज आनी चाहिए। यानी कि इसमें आपको एक ट्रिक यूज़ करने की बजाय जो है आप ब्लॉक वाइज याद करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये इसका सबसे बढ़िया तरीका है। एक एक ब्लॉक आप अगर रोज दो ब्लॉक भी याद करेंगे तो 9 दिन के अंदर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, कोई आपको दूसरी ट्रिक यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपको हेल्प भी करेगा आगे एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने कई बार अक्सर ये देखा है कि बच्चे जो है 12th पास कर लिए हैं, लेकिन अगर उनसे सिंपल कुछ ब्लॉक्स के मेंबर पूछ लो या डी ब्लॉक में 3 मेंबर पूछ लो आयरन के नीचे वाले, याद नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि उससे फिर जो है अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल जितना ज़्यादा हो सके वो उतना ग्रुप वाइज आप याद करके रखें, ये इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे।